Shits. Okay. Okay, please silence. हैंड रिटर्न वाली हैंड दो बांटो. देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. रादर प्लस टू का कोर्स स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ सिलेबस और करिकुलम के ऊपर ध्यान दें और प्लस वन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्लस टू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस पर डिफरेंस बताता हूँ कि कोर्स कैसे चलेगा. राइट तो इसको एडजस्ट करो यहाँ पे कहीं. पुष्पेश थोड़ा सा साइड पे होना. देखो सबसे पहली चीज प्लस वन के अंदर जो कोर्स था वो मैकेनिक्स बेस्ड था. राइट प्लस वन का जो कोर्स है वो मैकेनिक्स बेस्ड है. प्लस टू का जो कोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, चार्ज बेस्ड है. राइट प्लस वन का कोर्स प्लस टू के कोर्स से सबसे पहले ये डिफरेंस है, जो प्लस टू का कोर्स चलेगा या जो प्लस वन का कोर्स चला था वो जनवरी एंड में जाके खत्म हुआ था. आराम आराम से हम करते गए कोई दिक्कत नहीं है. जनवरी एंड आया तब भी कोई प्रेशर नहीं. प्लस टू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है स्पेशली नॉन मेडिकल वालों के लिए कि उनका पहला अटेम्प्ट जनवरी के अंदर आएगा और किसी भी हालत में 25 दिसंबर से पहले अपने कोर्स को उनको खत्म करना है प्लस टू एज वेल एज प्लस वन. अगर वो नहीं होता तो उनका पहला अटेम्प्ट खराब हो जाएगा. मेडिकल वालों को इस पूरी गेम में एडवांटेज रहेगा. जो मेडिकल के लोग हैं वो नॉन मेडिकल की वजह से अपने कोर्स को दिसंबर तक एक बार कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद उनके पास अप्रैल भी पड़ा है फिर से तैयारी करने के लिए. तो मेडिकल वालों का दो राउंड तो कम से कम प्लस वन प्लस टू में लग ही जाएंगे तो उनको एक एडवांटेज रहेगा. नॉन मेडिकल वालों के लिए जैसे मैंने कहा 25 दिसंबर को सब कुछ खत्म होगा. प्लस टू का कोर्स हमारा खत्म होगा लास्ट ईयर 25 नवंबर को हुआ था. आई ट्राई कि 20 से पहले पहले खत्म हो जाए. फर्स्ट सितंबर को बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट सितंबर को वॉल्यूम वन कंप्लीट होगा आपका और क्योंकि आपके फर्स्ट सितंबर या सितंबर के अंदर स्कूल के एग्जाम्स भी स्टार्ट होते हैं और एनसीईआरटी का पेपर सब देखे आए हैं और सबको मालूम पड़ चुका है कि क्या इंपॉर्टेंस है. आप स्कूल लेवल को क्लियर करना भी इतना आसान नहीं है. आसान द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम गए और पेपर दे के आ गए. और इस बार तो प्लस टू के फिजिक्स का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है. फिजिक्स के एग्जाम का न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि पेपर ट्रिकी था, कोई बोलता है लेंथी था, कोई बोलता है मुश्किल था. मुश्किल वाले ज़्यादा थे, शोर ज़्यादा मचा हुआ था. बट द पॉइंट इज कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस था पिछले 10 साल के पेपर और इस साल में. थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड था. नॉर्मली सीबीएसई वाले थ्योरी ज़्यादा देते हैं 50 मार्क्स की और 20 के न्यूमेरिकल देते हैं. इस बार 50 के न्यूमेरिकल दिखेंगे और 20 की थ्योरी दिखेगी तो उल्टा ही हो गया. लोग देखते रह गए कि डेरिवेशंस कहाँ लोगों को मिली भी नहीं कहाँ गई. तो थोड़ा सा उस तरीके से भी प्रिपेयर होकर चलेंगे ताकि कोई ऐसा झटका ना लगे हमें. इसके अलावा जो कोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट है. जैसे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जो कि लाइट को स्टडी करती है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक ब्रांच है जो चार्ज को स्टडी करता है. और चार्ज किस पे पड़ा होगा, एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि जिसके अंदर हम एक चार्ज को स्टडी करते हैं और चार्ज किस पे पड़ा होगा, रेस्ट पे. पूरे यूनिट के अंदर डेढ़ महीना चलेगा चार्ज, मतलब ही नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा. क्योंकि अगर चार्ज मूव कर गया, चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर, एक वायर चाहिए. तार के बिना नहीं करेगा वो, एक कंडक्टर चाहिए. और जब कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेगा तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी. तो सेकंड यूनिट का नाम है आपके सिलेबस में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट. तो सिलेबस समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है. उसके बाद क्या होगा, चार्ज जब कंडक्टर के अंदर मूव करेगा तो आप मैग्नेटिक निडल को अपने पास लेके खड़े हो जाएं. मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. एक नई चीज सामने आएगी कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है करंट कैरिंग वायर और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स अफेक्ट. तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है, ये थर्ड यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर. राइट तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. अभी तक थर्ड यूनिट में ये सिखाया जाएगा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है,
फोर्थ यूनिट आएगा जिसमें ये डिस्कस होगा, फेराडेज के लॉ आपने सुने होंगे कभी, कि एक मैग्नेट गिर गया था एक करंट कैरिंग लूप के अंदर, उसमें सॉरी एक लूप के अंदर, और ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हुआ। तो ये सिखाया जाएगा कि जब मैग्नेट एक लूप में गिरा तो उसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी थर्ड यूनिट था, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फोर्थ यूनिट है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकता है, दोनों वाइस वर्सा है। ये चौथा यूनिट होगा आपके सिलेबस का। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर आएगा जिसको ईएम वेव्स बोलते हैं। ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज किया, और दोनों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल हुआ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज भी अगर आप फोन मिलाओ तो रेडियो वेव्स निकलती हैं, वो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वेव्स ट्रेवल करती हैं। ये ईएम वेव्स बताएगा। उसके बाद ये वॉल्यूम वन कंप्लीट होगा, ये पूरा वॉल्यूम 1 सितंबर को कंप्लीट होगा किसी भी हालत में, क्योंकि सितंबर के जो एग्जाम्स हैं वो ईएम वेव्स तक आते हैं। सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स, और हमने री ऑप्टिक्स प्लस वन में किया, सुनने में आया कि री ऑप्टिक्स वापस प्लस टू में आ गया, तो खुशी की बात, एक बार हो गया प्लस वन में, सेकेंड टाइम 10 दिन रिवाइज करेंगे तो लोड कम लगेगा आपको, ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ उनको एडवांटेज होगा। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में 1.5 महीना लगेगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा केमिस्ट्री बेस्ड, थोड़ी इजी लगती है फिजिक्स बाद में एंड में, जिसमें केमिस्ट्री को लेके आप बोहर्स मॉडल, एनर्जी -13.6 बाय एन स्क्वायर, क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन बहुत इजी लगता है, रेडियो एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। और लास्ट जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको बिल्कुल आखिरी में स्टडी करेंगे। तो आप अगर इन पूरे नाम को जरा ध्यान से देखें, जितने भी हमने जो है मेरे चैप्टर्स बोले, कहीं पर भी आपको ये फील नहीं आया होगा कि SHM है, रोटेशनल है, और कोई टॉर्क है, अभी कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही चल रहा है सारा, राइट? तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, एक चार्ज रेस्ट पे है, कोई कितना ही स्टडी कर लेगा चार्ज को रेस्ट पे, है तो चार्ज रेस्ट पे ही ना, और कितना ही स्टडी कर लेगा, आप मानोगे 2 महीने लगेंगे इसको स्टडी करने में, कम से कम 1.5 से 2 महीने कुछ नहीं करेंगे, चार्ज मतलब ही नहीं, अपनी जगह छोड़ दे, जहां है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उसके जितने इफेक्ट्स हैं वो स्टडी करवाए जाएंगे। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करता है अपने आसपास, पोटेंशियल कितना जनरेट करता है अपने आसपास, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है और कुछ मैथमेटिकल पोर्शन से भी स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर पूरी तरह खुलेगा नहीं, अगली बार एकदम सही हो जाएगा। ये जो शीट चल रही है ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, आपके पास इसकी फोटोकॉपी, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपनी रिसेप्शन से फोटोकॉपी ले लें। और चैप्टर वन फर्स्ट असाइनमेंट है आपकी, फर्स्ट असाइनमेंट के नाम से है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिनको नहीं मिली उनको भी फोटोकॉपी मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है जो लोग ज़्यादा लिखते हैं उनका रिजल्ट ठीक आता है। जो लोग नोट्स लिखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हैं चाहे कुछ भी है, उनका रिजल्ट बेटर ही रहेगा। तो जो भी काम आज मैं दूंगा आपको, अपने रजिस्टर के ऊपर अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ये मेरे हैं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ, आपको सिर्फ सिर्फ ये हेल्प मिलेगी कि हाँ इस तरीके से ये चैप्टर चलेगा, आपको अपने खुद बनाने हैं एज इट इज, राइट? तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट, ये तो मेरी बातों से सबको पता लग चुका है। दूसरा, दो तरीके के चार्जेस हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये भी सबको मालूम है।
नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज आया कहां से। ये हमारी अजम्पशन है कि किसी स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी अजम्पशन है। रियलिटी में ये होता है कि अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कहीं से कुछ फालतू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसी ने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय नेगेटिव, तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब यह हुआ कि इस बॉडी के ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्स्ट्रा टर्म को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से किसी बॉडी के तो इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने एक जगह से दूसरी जगह में दिए, तो वो जो बॉडी है जिसके इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए वो डेफिशिएंसी है उसके पास, तो डेफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉजिटिव से, तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, और डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक क्लियर है? अब दूसरी चीज, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आप अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो उसके कितने तरीके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, आपने उठाए इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में डाल दिए, कोई तो तरीका होता होगा इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करने का, या किसी बॉडी को सॉरी चार्ज करने का। तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, बेसिकली आप एक रॉड लें, ग्लास रॉड है, और साथ में एक पीस ऑफ सिल्क लें, और अगर आप इन्हें रब करें तो रब करने का मतलब आप इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिल्क लेंगे और रॉड लेंगे तब तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप सिल्क और रॉड लेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है और को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है रॉड के, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली रब करने से, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इसमें चले गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इसमें चले गए सिल्क में, तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये चार्ज कैसे आया, आपने इन दोनों को रब करके क्या प्रोवाइड की, एनर्जी, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिमिलरली आप एक एबोनाइट रॉड लें और साथ में एक वूल लें, तो आप इन्हें रब करें, अगर इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या हुआ था, रॉड के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें क्या होगा, इसके अंदर वूल के इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड में चले गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो कोई स्टूडेंट घर गया, उसने कहा ये तो कमाल की चीज सीख लिया आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी भी चीज को जादू रब करेंगे चार्ज आ जाएगा, नहीं आएगा, सब में नहीं ये रूल चलेगा। जो मटेरियल है उसके जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे डिपेंड करता है। अगर वो लूजली बाउंड है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर वो टाइटली बाउंड है फिर उसका रिमूवल नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कोई भी कपड़ा लोगे उसको रब करोगे किसी भी लकड़ की रॉड के साथ और ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, इन्हीं के साथ होगा जो मैंने शो किया है, राइट। सिंथेटिक के कपड़े डालते हो तो वो स्पार्किंग की आवाज आती है, कुछ ऐसे कुछ वूल है सिल्क है तो रात को वो स्पार्क भी करता है कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली वो कपड़ा ही ऐसा है, वो क्लोथ ही ऐसा है, सारे कपड़े के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट एग्जांपल है, बाय फ्रिक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में सेकेंड मेथड जिससे कि चार्जिंग पॉसिबल है इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप किन्हीं भी बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आओ, अपने आप चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, रब करने की जरूरत नहीं। अगर रब कर दिया तो भाई फ्रिक्शन हो गया, जोड़ दिया सिंपल कॉन्टैक्ट में ले आए तो वो कंडक्शन है। जैसे सपोज इसके पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, एक मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी पूरी करने चले गए पॉजिटिव की, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, डेफिशिएंसी थी, और यहां पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टच करते ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम मेटल से लेके किसमें, इस रॉड में। तो रॉड की कुछ डेफिशिएंसी उसने ठीक कर दी, इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ गए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस चक्कर में ये खुद पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए तो इसके पास भी डेफिशिएंसी रह गई, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसके अंदर ये खुद पॉजिटिव हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज शेयर हो गया, वो एक्चुअल में शेयर तो हुआ, पर कैसे हुआ, या कुछ लोग ये बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज कभी भी चलता नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो एक खाली सीट है, पॉजिटिव चार्ज तो एक डेफिशिएंसी है। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां चले गए और खुद डेफिशिएंट हो गया ये मेटल, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, पर पूरी तरह कंप्लीट पूरा कर नहीं पाया, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें हो गया और कुछ इसमें हो गया। आपको रब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट में लेके आए। तो इस मेथड में जब आप दो बॉडीज को वैसे कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज नोन एज कंडक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन में क्या करना पड़ता है, रब, कंडक्शन में क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में। दो तरीके, तीसरा एक और तरीका है, तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड इंड्यूस होने से वर्ड आया, इंड्यूस होना, इंड्यूस होने का मतलब कि बिना कांटेक्ट में लाए बिना, उनको बिना टच किए बिना चार्ज का प्रोड्यूस होना इज इंडक्शन। हम बोलते हैं चार्ज पैदा हो गया, इंड्यूस हो गया, वो कैसे हुआ इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अर्थिंग का या फिर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हमारे घरों में आप कोई भी अगर थ्री प्लग लगाते हो, कोई एसी या कोई भी चीज है, उसमें एक तीन तारे होती हैं प्लग में, रेड या ब्लैक, और एक कलर की स्पेशल वायर है, ग्रीन कलर की वायर है। हरे रंग की वायर तो उसके अंदर देखे घरों के अंदर दिखती है आपको, राइट। तो ग्रीन कलर की वायर या जो थ्री प्लग है उसमें ये वाला जो बटन है ऊपर वाला, वो अर्थिंग का होता है, बाकी दो जो है करंट उसमें जाता है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने के लिए, हम अर्थ क्यों करते हैं। अगर मान लो एक कूलर है, मेटल की बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज मेटल का है या कूलर मेटल का है, या ये जो यूपीएस है ये भी मेटल का सरफेस है, या कुछ इस टाइप का मटेरियल है, या इस टाइप का मटेरियल है। अब देखा जाए तो अंदर क्या है, अंदर करंट चल रहा है, राइट, अंदर करंट है, करंट का मतलब अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है। तो अब एक प्रॉब्लम है इसमें, कई बार आपने नोट किया होगा कि कूलर या कोई भी मेटल की बनी हुई बॉडी शॉक मारती, शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है, दरवाजों में भी कई बार हो जाता है, ये एल्यूमिनियम के स्पेशली शॉक लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, आप कहते हो कि कोई प्रॉब्लम है, या कई बार आपने ये भी नोट किया होगा ट्यूब कभी बंद हो रही है कभी चल रही है, जबकि मेन सप्लाई बंद है। हमारे यहाँ तो बहुत हो जाता है वैसे, ठीक, तो यहाँ पे ये लाइट्स ऑन ऑफ रहती हैं, इस बिल्डिंग की अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, अर्थ से चार्ज कैसे आ जाता है, मैं आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इंडक्शन है क्या, और अर्थिंग के साथ समझाऊंगा। सपोज करो आपके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कहीं से मैं कर लाया चार्ज, इसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देके मैं लेके आया हूं। इसके सामने मैंने एक कंडक्टर स्फेयर रख दिया, एक कंडक्टर का बना हुआ एक स्फेयर रख दिया, राइट, मेटल है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड इसके सामने रखी गई, तो इस नेगेटिव ने इस कंडक्टर के चार्जेस को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा दिया। तो क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इस तरफ आ गए, और अपनी जगह क्या छोड़ गए, डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हैं, तो एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई और एक तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बात समझ में आती है। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये रूल क्लियर है यहां तक, हमने ये बोलना है कि यहां पर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, कोई डाउट इसमें। लेट अस सपोज एक मिनट के लिए मैं इस रॉड को वापस ले जाता हूं, ले गया मैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे,
और अपनी डेफिशिएंसी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और अल्टीमेटली ये फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, बात वहीं पर आ गई। था तो ये पहले भी न्यूट्रल, जब मैंने इसकी रॉड को इसके सामने रखा हुआ है तो उस केस में ये तो मुझे समझ में पहले ही आ रहा था। मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ कि इसमें नेट चार्ज कितना है, तो ऑब्वियसली जितना ये उतना ये आपस में नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। अल्टीमेटली नेट चार्ज तो इसमें जीरो है, राइट? लेकिन इसलिए ये अरेंजमेंट हो गया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और अपनी जगह डेफिशिएंसी हो गई। ठीक, ये ना एक टेम्पररी चार्ज है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। रॉड को अपने घर ले जाओगे, ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये स्फेयर परमानेंटली चार्ज हो जाए। अब इसको सीखने के लिए आपको अर्थिंग सीखना पड़ेगा। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपेसिटर एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर बहुत डिटेल में है, बहुत ही डिटेल में और मैथमेटिकल है। अभी के लिए ब्रीफ में बताऊंगा अर्थिंग क्या होती है, ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए, अर्थ करते क्यों है। अर्थिंग के अंदर क्या होता है, अर्थ की पहले प्रॉपर्टी समझ लो। अर्थ के अंदर बहुत सारा आयरन और बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे, दुनिया भर का जो है अर्थ ही मेन सोर्स है। अर्थ के अंदर आयंस माने जाते हैं, कितने आयंस, इनफाइनाइट आयंस हैं। कौन से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अर्थ को अगर आप टच करते हो तो आपको कोई चार्ज फील नहीं होता, जबकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं पूरी अर्थ के अंदर। मानते हो इस चीज को? अर्थ के अंदर इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज है और इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज है। इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कितना, और आप इसको जितना मर्जी चार्ज दे दो, इसके पास इतनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की कि ये इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया का अगर चार्ज इसमें चला भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थ शॉक मारनी स्टार्ट नहीं कर सकती। मतलब इनफाइनाइट है इसके ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव कि आपस में इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो अर्थ इसलिए न्यूट्रल है ओवरऑल, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, आपस में इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पहला पॉइंट अर्थ के बारे में। अर्थ जो है उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक? दो चीजें। तो अर्थ हम एक टॉपिक करेंगे, पोटेंशियल। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, पर मैं ये टर्म यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज पोटेंशियल का पूरा चैप्टर आएगा उसमें यूज करेंगे। अभी सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपना अफेक्ट क्या कर जाते हैं, कैंसल। ठीक हो गया यहां तक? अर्थ के साथ अब सपोज करो मैंने एक बॉडी को ज्वाइन कर दिया, ये एक मेटल की बॉडी है। इस मेटल की बॉडी के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसको अर्थ के कांटेक्ट में जोड़ दिया। अब अर्थ के कांटेक्ट में जोड़ने का मतलब होता है कि ये अर्थ का ही पार्ट है, मतलब ये अर्थ ही हो गया, मतलब अर्थ के ऊपर ही, अर्थ के अंदर चला गया। ठीक, कांटेक्ट में जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अर्थ के कांटेक्ट में है तो अर्थ चाहेगी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ना रहे। जैसे अर्थ न्यूट्रल है वैसे ये मेटल की प्लेट भी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि है तो अर्थ का पार्ट हो गया ना अभी ज्वाइन करने का मतलब। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगी, इस वायर के थ्रू इसको देख लेगी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इस पूरे इफेक्ट को, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन्स हैं सप्लाई करके न्यूट्रल कर देगी। मान लो इसके बाद 10 की डेफिशिएंसी थी, तो अर्थ क्या करेगी, 10 की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करके इसको दे देगी। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो अर्थ ये देख लेती है कि किसी बॉडी के पास कितनी कमी है चार्ज की, जितनी कमी है उसको कांटेक्ट में लेके आओ अर्थ के साथ, अर्थ उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके उसको न्यूट्रल कर देती है। अब सपोज करो किसी ने कहा कि एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मैंने इस प्लेट को किससे ज्वाइन कर दिया, अर्थ से ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब ये क्योंकि ये फिर से अब अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया और अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये प्लेट भी क्या चाहेगी, अर्थ क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज का अफेक्ट ना हो। अर्थ के पास बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अर्थ क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के थ्रू खींच लेगी और पॉजिटिव चार्ज में एंटर करवा लेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं वायर में, तो
पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रेवल नहीं करता वायर में, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जितना मर्जी चार्ज दे दो, ये प्लेट फिर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैंने अर्थ नहीं की और मैंने इस प्लेट को टच कर लिया तो मुझे शॉक लगेगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा, शॉक उतना स्ट्रांग लगेगा, वीक होगा तो शॉक वीक लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थ का। अब इसके अंदर अब हम घरों के अप्लायंसेस में आते हैं। जब भी घर बनते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हो या घर बनाओगे, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम होता है। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग या मीटर लगाने से पहले सबसे पहला काम ये करता है, घर के किसी वेड़े में या घर के बाहर बहुत गहरा एक गड्ढा खोदता है, उसमें कोयला मंगवाएगा, नमक डालेगा और पता नहीं क्या कुछ डालता है, वो अर्थिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, उसमें ग्रीन कलर की वायर डाल दी जाती है बहुत मीटर नीचे, ताकि अर्थ के अंदर वो चार्ज जा सके। उस तार को एक मीटर के साथ, आपके मेन मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वो मेन मीटर की जो वायर, ग्रीन कलर की वायर आ रही है, वो मेन मीटर से हमारे घरों के हर स्विच के अंदर चली जाती है। मान लो इस बिल्डिंग के मेन मीटर से अर्थ से लेके मेन मीटर से लेके वो वायर होती हुई यहां पर भी आ गई है। अब इमेजिन करो, ये मेटल की बनी हुई बॉडी है, इसके अंदर क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है। करंट घूमने का मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब इमेजिन करो कि अगर एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे हैं और ये मशीन एक कंडक्टर की बनी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि नेगेटिव चार्ज इसकी छत के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर चले जाएंगे और अपनी जगह क्या छोड़ जाएंगे, डेफिशिएंसी। जो ये मशीन है, इसकी जो छत है, अगर नीचे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भगा दिए इसने, सभी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ने, तो यहां क्या आ गया पॉजिटिव और यहां क्या आ गया नेगेटिव। आप ऐसी मशीन को जब टच करोगे आपको लगता नहीं कि शॉक लगेगा, आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और लगता भी है कभी कभी मशीन्स करंट मारती हैं। इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, वो कहते हैं अर्थिंग कमजोर है इसकी, थोड़ी अर्थिंग ठीक करता है, वो ठीक हो जाता है। क्यों? वो क्या करता है, इस मशीन की ग्रीन कलर की वायर इसकी बॉडी के साथ टच कर दी जाती है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये देख रहे हो आप, अर्थ के साथ जब कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो मेन मीटर से होता हुआ अर्थ की तरफ जा चुका है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ क्या चाहेगी कि इसकी सरफेस क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं सारे के सारे अर्थ में चले जाते हैं। पॉजिटिव का कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, तो बाहर से बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो कोई भी चीज शॉक मार रही है, अगर मान लो मशीन, आप उसकी अर्थिंग कर दो प्रॉपर, वो शॉक लगना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज आपकी बॉडी में जाने की बजाय कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्लियर यहां तक? तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो जिस चीज को आपने अर्थ कर दिया, आप ये समझ लो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, हम बात कर रहे थे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपके पास एक स्फेयर है, ये स्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। आप इसके ऊपर क्या ले आए, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए इसके सामने। नेगेटिव रॉड जब इसके सामने आई तो इसने क्या किया, इसके इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ चले गए और यहां क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। कोई डाउट इसमें? राइट, डेफिशिएंसी आ गई। रॉड को यहां से ले जाओगे, ये वापस न्यूट्रल दिखेगा आपको। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, किसी ने क्या किया, इसकी जो लास्ट ये सरफेस है, ये वाली पीछे वाली सरफेस है, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए किसमें, अर्थ के अंदर चले गए। ठीक, यहां से ध्यान से, तो यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो के कहां चले गए, अर्थ में चले गए, क्योंकि अर्थ क्या चाहेगी कि ये न्यूट्रल है, ये भी हिस्सा न्यूट्रल हो जाए। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे ये भी तो न्यूट्रल करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इसको न्यूट्रल करने के लिए अर्थ को क्या भेजने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं सकते क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता जा रहा है, रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे।
तो पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल हो नहीं पाएगा। तो एक हिस्से पे पॉजिटिव रह गया, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि चार्ज चला गया। राइट, यहां तक क्लियर है? फिर आपने क्या किया, अर्थिंग को हटा दिया, अर्थिंग हट गई, रॉड को भी दूर ले गए। अल्टीमेटली इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन वापस तो आने से रहे क्योंकि अर्थिंग तो गई, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर यहां तक? तो देखो, आपने रॉड को इसके साथ बिना टच किए फाइनली इसके ऊपर क्या चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से एक बॉडी के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज ला दिया, ला दिया नहीं बोलना, इंड्यूस कर दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन। बोलो, अर्थ की जगह वो कुछ कोई मैकेनिज्म कर सकते हो, बस ये वाला चार्ज निकालना है। नॉर्मली अर्थिंग चलती है, जो बुक्स लिख रही है हम तो वही कर रहे हैं, कर सकते हो किसी तरीके से, हटा दो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। ओके, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडक्शन का और प्रोसेस कैसे चल सकता है। ध्यान से देखो, दिख रहा है यहां से, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सपोज करो ये एक रॉड है और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये एक स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज रॉड, बात नहीं करनी प्लीज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए, तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। अगर मैं रॉड को यहां से हटा दूं तो स्फेयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर आप चाहते हो परमानेंट चार्ज आए, तो इस तरफ आपने क्या कर दिया, अर्थ या ग्राउंड कर दिया, तो ये ग्राउंड कर दिया। अर्थ ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके पॉजिटिव उड़ा दिया, नेगेटिव को वो टच नहीं कर पाएगी बिकॉज नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अर्थ हटा दो, रॉड हटा दो, नेगेटिवली चार्ज क्या रहेगा इसमें, पहले आपने अर्थ हटाई, नेगेटिवली चार्ज अभी भी अट्रैक्टेड है रॉड के साथ, अर्थ तो हट गई यहां से, ये तो बिल्कुल खाली हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, रॉड हटा दो तो नेगेटिव नेगेटिव अब रिपेल करेंगे तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बॉडी के ऊपर और परमानेंटली कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो रॉड कौन से चार्ज थी, पॉजिटिव, बॉडी के ऊपर फाइनल चार्ज क्या आया, नेगेटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि तीन तरीके हैं, एक फ्रिक्शन, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, देखो जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज तो रह ही गया ना, अगर अर्थिंग नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस प्लस के ऊपर बैठ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, डेफिशिएंसी तो पूरी करो, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, साइलेंस। अभिषेक रावत, चिराग मेहरा, सौम्या सिंह, 15, ये तो हो चुकी ना, सौम्या सिंह तो आ चुके, तान्या, तान्या, अर्पित, ये नहीं है, कोमल, आकाश ठाकुर, आकाश ठाकुर, कोमल, ऋषभ पांडे, रिया सिंह, 315 में अब लिस्ट बनाओ जरा, एक मिनट, 315 वाली। देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है, इंडक्शन कैसे हुई। तो कोई भी प्रोसेस से आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडक्शन एंड कंडक्शन के, आप किसी भी मेथड से बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आज का ऑब्जेक्टिव भी होगा, एक अभी हम शीट करेंगे एक, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि मान लो आपके पास दो न्यूट्रल स्फीयर्स कंडक्टर हैं और कांटेक्ट में है, राइट, ये कांटेक्ट में है, इसके सामने आपने एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज रॉड रख दी, इंडक्शन हो गई। इंडक्शन ने क्या करना है, इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपस में जुड़े हुए थे सारे, दोनों के दोनों स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर यहां आ गए और यहां क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कितनी, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर मैं रॉड को वापस ले जाता हूं,
तो इलेक्ट्रॉन वापस यहां जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने क्या किया, रॉड को यहीं रखा ताकि इलेक्ट्रॉन मेरे भाग ना जाएं, मैंने स्फेयर को पीछे से सेपरेट कर दिया। देखो सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो वापस जा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। स्फेयर जब सेपरेट हो गए तो इसके ऊपर परमानेंटली कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। और जब मैं रॉड को दूर ले गया तो इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग के अपने पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये न्यूट्रलाइज तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होने के चक्कर में यहां पर आ जाएंगे चार्जेस, तो ये फाइनल डायग्राम बन जाएगा, राइट। तो दोनों के ऊपर परमानेंट क्या आ गया, चार्ज आ गया। हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो ठीक है, सेपरेट किया तो यहां तक भी ठीक है। तो इसको अपने घर ले जाओ पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। रॉड हटा दोगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी किसकी करेंगे, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हम बोलते हैं चार्ज मैंने क्या किया, इसके ऊपर इंड्यूस किया। तो यहां तक क्लियर है, चार्ज इंडक्शन होती क्या है बेसिकली, कोई डाउट इसमें? तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये शीट सबको मिली हुई है ना, सबके पास है? ओके, अपने घर जाके ये सारा पूरा रजिस्टर बनाना है, और प्लीज रजिस्टर बहुत पतला मत बनाना, नहीं तो 15-18 रजिस्टर तो आपके बनेंगे कम से कम। फिर मत कहना कि घूम गया एक आध, क्योंकि जो लोग 100 पेज का रजिस्टर लगाएंगे उनका क्या बनना है, 18 शीटें तो आपके आज ही भर जानी है टोटल, ठीक है? तो थोड़ा जितना मोटा हो सके उतना मोटा रजिस्टर लगा लेना ताकि प्रॉपर नोट्स रहे, ठीक। चेक होएगा रजिस्टर, लिखित के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो बोर्ड की क्लास है, वैसे ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये ना क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है ना, ये आपने पहले शायद केमिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा जरूर। क्वांटाइजेशन क्या, कहां सुना है? एनर्जी क्वांटाइजेशन तो नहीं सुना कि शेल की जो एनर्जी होती है -13.6 / n² वो फिक्स्ड होती है और वो चेंज नहीं होती, हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, ऐसे कुछ करते हो, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ऐसा ही है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस चार्ज के साथ, प्लीज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और मान लो ये न्यूट्रल है। मैंने क्या करना है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, तो इसके ऊपर 10 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 10 का चार्ज पॉजिटिव, ठीक हो गया यहां तक। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जब इलेक्ट्रॉन निकाला, जब पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन किया तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, जब दो किए तो इसके ऊपर इतना आ गया, जब तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो +3e - 3e आया, और अगर n किया तो +ne और -ne आ गया। कोई डाउट इसमें, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि चलो डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, 1.5, नहीं नहीं डेढ़ नहीं हो सकता, या तो एक होगा या दो करवा लो, डेढ़ ढाई साढ़े तीन 3/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। यही क्वांटाइजेशन है कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है और एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे, या वो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, चार होगा, फ्रैक्शन में चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके ऊपर या तो चार्ज प्लस ऑफ Ne है या फिर -Ne ही है। तो इस केस में चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ए और बी इज रिप्रेजेंटेड बाई Q = ±Ne। तो फॉर फर्स्ट बॉडी जिसके पास डेफिशिएंसी है वो प्लस में, जिसके पास एक्सेस है वो नेगेटिव में। कोई डाउट इसमें, राइट। तो इसको लिखना कैसे, एनसीईआरटी में आएगा, मार्क कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक नंबर में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आएगा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोगों को केमिस्ट्री से आदत होती है सर्टन मिनिमम चार्ज की जगह सर्टन मिनिमम एनर्जी लिखने की। मैं दिखा दूंगा जब टेस्ट होगा, ये क्वेश्चन पक्का डालूंगा टेस्ट के अंदर, मैं दिखाऊंगा जिस स्टूडेंट ने लिखा कि देखो मैंने 1000 बार बोलने के बाद भी वो लिखता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन। आप में से 2-3 अभी भी निकल आएंगे इतना बोलने के बाद भी, वो भूल जाएंगे कि चार्ज की क्वांटाइजेशन है, वो अभी भी सोचेंगे कि केमिस्ट्री की एनर्जी की क्वांटाइजेशन है।
राइट, अगर चाहते हो कि वो पेपर यहाँ ना डिस्प्ले हो तो अंडरलाइन कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो है चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, एनर्जी के का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट इसमें? अक्षत क्लियर है? इसको ऐसे लिखना है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 इज माइनस 19। कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? रिदम क्लियर है? कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्वांटाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ओनली, या क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है? क्योंकि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्रैक्शन, इंटेग्रल का मतलब फ्रैक्शन नहीं, इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ इंटेग्रल इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, एक दो तीन चार फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। दिस इज रीजन फॉर क्वांटाइजेशन। क्या ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक। चार्ज एडिटिव है, चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर क्यू प्लस टू क्यू थ्री क्यू, क्यू माइनस क्यू अगर हो तो वो जीरो चार्ज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन चार्ज में चलती है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान आगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको ये क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो कैसे? तो मैंने कहा कि ये देख, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक स्टूडेंट बोलता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, कैसे करूंगा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूंगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, सही है? उसने कहा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एंड में ये भी कहा इन आइसोलेशन, आप चार्ज को खत्म कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हो, आप किसी बॉडी को चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक नहीं, आपको दो बॉडीज चाहिए। अगर आप ये कहो ये ए बॉडी न्यूट्रल है, और मैं अगर ये कहूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। निकाल के फेंकेंगे हवा में? फेंकते फेंके जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं केमिस्ट्री होती। कहाँ कहाँ फेंकेंगे? किसी कंडक्टर में फेंकेंगे? किसी हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, किसी दूसरी बॉडी में जाएगा। और अगर आप किसी दूसरी बॉडी को यूज कर रहे हो तो आइसोलेशन नहीं है फिर, तो आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको क्रिएट करने के लिए कम से कम कितनी बॉडी चाहिए? दो। सिंगल बॉडी पे चार्ज ना तो लाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, दूसरी बॉडी की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में एक और आता है कि ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, मतलब, या फिर ये भी आता है कि विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो दैट रिपल्शन इज ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब रिपल्शन से आप, रिपल्शन की फोर्स से आप ये बता सकते हो कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं समझ ना पाता कि मैंने क्या बोला, ठीक, आपकी तरह कि क्या बोला। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम उल्टा करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज इसमें, सपोज एक रॉड है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है यहां तक। इसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मान लो एक न्यूट्रल स्फीयर है, जैसे ये एक रॉड है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है। अभी अभी क्या डिस्कस किया कि अगर आप एक न्यूट्रल कंडक्टर को इसके सामने रखोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी? इंडक्शन। नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक कंडक्टर है, एक स्फीयर है, और
नेगेटिवली चार्ज रॉड जब इस स्फीयर के सामने लेके आओगे तो उस केस में इंडक्शन हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है यहां तक? अब क्या होगा मुझे बताओ, नेगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी, तो इंडक्शन की हेल्प से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, मानते हो इस चीज को? और जब वो चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इस पोर्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो पक्की बात है कि ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मानते हो इस चीज को, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओरिजिनली बताओ, मैंने आपको बस ये डायग्राम दिखा दिया और मैंने ये बता दिया कि दिखा कुछ नहीं रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये दो बॉडीज हैं और ये दोनों आपस में ना अट्रैक्ट कर रही हैं, तो बताओ इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो आप कहोगे सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन रियलिटी क्या थी कि इसके ऊपर ओवरऑल तो नेगेटिव था लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल अपना कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन से एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो वो बॉडी एक्चुअल में न्यूट्रल थी या वो बॉडी एक्चुअल में चार्ज थी इसलिए अट्रैक्शन हुआ, आप ये बता नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो एक तो ये होता है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट पक्का करेंगे, पर इस केस में तो उल्टा है, इसमें तो ये भी हो सकता है, नहीं गलत भी नहीं है, ये हो भी सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज थी और दूसरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो आप दूसरी बॉडी की कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि क्या वो चार्ज थी या ओरिजिनली वो न्यूट्रल थी, नहीं मालूम। तो यही लिखा हुआ है, सम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, तो जैसे ये बॉडी ओरिजिनली क्या थी, न्यूट्रल थी, तो इसके ऊपर इस नेगेटिव ने क्या किया, इंडक्शन किया, इंडक्शन की हेल्प से ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बॉडी ओरिजिनली चार्ज थी। अब उसी केस में सपोज करो, सेकंड एग्जांपल है, मान लो ये एक बॉडी है और ये भी तो केस हो सकता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये ओरिजिनली पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल नहीं थी, इसके ऊपर मैंने ही पॉजिटिव चार्ज देके भेजा, तो भी तो आपस में क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट, और जबकि इस केस में बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज, इस केस में इट वॉज न्यूट्रल, तो आप सिर्फ ये सुनते ही कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये बॉडी चार्ज थी या न्यूट्रल थी, कुछ भी केस पॉसिबल है। डन, यहां तक समझ में आया? इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, निखिल क्लियर है यहां तक? तो जब कोई बॉडी ये बोले या कोई स्टूडेंट अगर ये बोले कि ये एक रॉड दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप क्या आंसर दोगे कि दूसरी बॉडी या तो चार्ज्ड है या दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। और इसका और बढ़िया एग्जाम्पल भी याद आया मुझे, कई लोग शीशे के आगे बहुत अपना टाइम डिवोट करते हैं, बाल सेट, वो बाल करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, और इतना कर लेते हैं उनके बाल सेट होना बंद हो जाते हैं, राइट, और वो खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, क्यों? क्योंकि बाल सबसे ज्यादा चार्ज का अफेक्ट बालों पे होता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज बॉडी को टच भी करोगे, सबसे पहले हेयर के ऊपर अफेक्ट होता है। तो जब आप कॉम्ब करते हो तो कॉम्ब बार 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 करे जा रहे हो, तो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, बालों के इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में से कॉम्ब में चले जाते हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो बालों के ऊपर प्लस 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 चार्ज है, आपस में जुड़ नहीं पाते, वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, बाल खड़े हो गए या ठीक तरह सेट नहीं हो रहे, फिर आप थोड़ा देर बाद देखोगे, दोपहर तक या दो तीन घंटे बाद, तो मेटल मुटल को टच टुच करोगे इधर उधर, तो चार्ज निकलेगा, तो जाके वो थोड़ा ठीक बैठेंगे, ठीक। फिर एक जादू भी करते छोटे होते, कॉम लिया, कागज लिया और फिर वो चिपक गए, ये भी होता था, वो आज समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि वो कागज क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉम्ब कहां से चार्ज लेके आया, बालों से, वो चार्ज्ड है, और चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए वो अट्रैक्ट होते थे। सही टेक्निक है, जादू कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, कोई समझा नहीं पाएगा उस टाइम, क्योंकि इंडक्शन ही किसी को पता होती थी छोटी क्लास में, बट पॉइंट समझ में आया कैसे हुआ। फिर आप हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रक जा रहा है जिसमें कोई पेट्रोल या कोई बहुत बड़ा कंटेनर जा रहा है जिसमें आग लग सकती है, चेन्स लटकी होती हैं लंबी लंबी ट्रक के पीछे, चेन्स सड़क को टच करती हुई जा रही होती है, वो क्यों, ट्रक तेज चल रहा है, एयर के साथ फ्रिक्शन है, तो एयर के साथ फ्रिक्शन में चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, कि चार्ज डेवलप हो जाता है, वो पेट्रोल जो है वो बर्न हो सकता है, आग लग सकती है। तो चेन्स क्या करती हैं, चेन्स अर्थ के कांटेक्ट में रहती हैं, अगर चार्ज डेवलप भी हो गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन,
क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उसकी सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन चेन से होते हुए किस में चले जाएंगे, अर्थ में, बिकॉज अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो चेन को भी न्यूट्रल कर लेगी, और चेन किसके साथ कनेक्टेड है, मेटल के ट्रक के साथ कनेक्टेड, ट्रक भी न्यूट्रल रहेगा, आग नहीं लगेगी उसमें, तो इसलिए चेन्स लटका के उसको चलाया जाता है। लेकिन इतना नहीं होता, वो फ्रिक्शन आग नीचे लगती है वो ऊपर तक तो ट्रेवल नहीं कर सकती, पर चार्ज ज्यादा डेंजरस है जो उसमें डेवलप हो जाएगा सरफेस में। क्लियर है यहां तक? तो चार्ज का ये, हाँ, सम न्यूट्रल मतलब नहीं, ये सबके साथ तो नहीं लग सकता, जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं जो पकड़ नहीं पाते, कोई सरफेस नहीं, जिनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है जो जा सकते हैं, ट्रांसफर उन्हीं के साथ पॉसिबल है, सिल्क हो गया, कागज हो गया, हर के साथ नहीं है, सारे कपड़े अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये नहीं है कोई चार्ज बॉडी ली बॉटल भी अट्रैक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ कुछ के साथ चलेगा, कुछ के साथ नहीं चलेगा। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? रिदम क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इन दो एग्जाम्पल से हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि ये बॉडी न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकली चार्ज है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन नॉट से बॉल इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके लिए क्या किया, हम रिपल्शन की तरफ चलते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया, मैंने नहीं बताया ये कौन सा चार्ज है, पर मैंने ये बताया कि सामने कंडक्टर है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आपने फटाफट बोल दिया कि इसके ऊपर पक्का नेगेटिव चार्ज है तभी रिपल्शन हो रही है। तो मैंने कहा क्या पता इंडक्शन से हुआ हो, क्या पता ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, वो कहता न्यूट्रल हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होती है, रिपेल नहीं हो सकती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर ये रॉड है नेगेटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी हमेशा इस तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करती है, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। और इंडक्शन हो गई, इंडक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस कर सकती है, अट्रैक्शन। इसका मतलब जहां रिपल्शन वर्ड आ गया वहां बॉडी न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज हमेशा क्या होती हैं, अट्रैक्ट, रिपेल नहीं हो सकती। तो अगर रिपल्शन हुई इसका मतलब इस बॉडी का ओरिजिनली अपना कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी क्या हुई, रिपल्शन हुई। पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए अगर मैं ये बोलता हूं आज के बाद कि दो बॉडीज आपस में रिपेल हो रही हैं, तो गारंटेड है कि ये वाली बॉडी कभी भी अनचार्ज्ड या न्यूट्रल नहीं होगी, इस पे कोई ना कोई चार्ज तो होगा, अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो रिपल्शन से ही बताया जा सकता है कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं। अट्रैक्शन वर्ड से दो केस पॉसिबल है, या तो वो चार्ज है या फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। तो क्या आपको इंडक्शन का प्रोसेस समझ में आया, क्या है इंडक्शन का प्रोसेस, कोई डाउट इसमें? सो दिस इज इंडक्शन। क्लियर है? तो जितना लेक्चर अभी हमने किया इसके बेस पे 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको ट्राई करने, शीट्स, ऑब्जेक्टिव शीट जो थी ना वो 3 नंबर वाली, फटाफट लेके आओ। अबे ओके, एक ऑब्जेक्टिव शीट मिली अभी आपको, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट लेंगे पहले,
और जो लोग अभी बैठे हैं इसके आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करना है, 1 to 5। लो 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन ट्राई करो। जितना लेक्चर अभी हुआ उसके बेस पे है, बात कोई नहीं करेगा।
इतने लोगों ने ट्राई कर लिए, कर लो कर लो, 5 तो करने हैं, बाकी होमवर्क है अगली शीट का भी। टाइम है तो कर लो, टाइम है तो कर लो, 5 तक डिस्कस करूंगा अभी। ओके ठीक है, तो आपने कुछ क्वेश्चन शुरू किए होंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से करता हूँ। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसका हिंट मैंने अभी आपको इस शीट में दिया ऑलरेडी। कैसे? ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज मेटल स्फीयर्स इन कॉन्टैक्ट। ये देखो, ये दो मेटल के स्फीयर्स हैं और आपस में कॉन्टैक्ट में है। एक ग्लास रॉड है, जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक हो गया यहां तक? नेक्स्ट है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड यहां पर इंडक्शन करेगी और यहां पर क्या हो जाएगा, ये रूल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसने 3 स्टेप्स हमें बताए। पहला, क्या होगा जब स्फीयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड, तो जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, अभी बनाया था मैंने। सेकंड, द ग्लास रॉड इज रिमूव्ड एंड फाइनली द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। जब ग्लास रॉड को रिमूव कर दोगे और स्फीयर को साथ के साथ सेपरेट करोगे तो फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, माइनस और प्लस, जैसा वो अभी मैंने शीट में दिखाया था। ये वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो भी मैंने शीट में सेपरेट करके दिखाया। राइट, क्लियर है यहां तक? तो पूछने का तरीका समझ में आया, कैसे आया? किसी को कोई डाउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, कि अगर रॉड भी हट गई और स्फीयर को सेपरेट कर दिया तो एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर बट डज नॉट टच टू मेटल स्फीयर दैट आर इन कॉन्टैक्ट। एक टर्म बार बार सुनोगे कि एक इंसुलेटर एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर एक कंडक्टर, और ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला क्वेश्चन, इंसुलेटर पे चार्ज कैसे आना शुरू हो गया? इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, वो तो चार्ज के साथ उनका लेना देना है ही नहीं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो मेटल रॉड, जैसे पिछले बैच में स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, आप मेटल की जो रॉड लेके आते हो या जो रॉड लेके आते हो वो मेटल होता है, कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी बीच में कंडक्टर आ रहा है, कभी कभी बीच में इंसुलेटर भी आ रहा है। तो पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को जरा ठीक कर लूं, उसके बाद ही आगे चलते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सिर्फ हाथ खड़ा करना कि कितने लोग एग्री करते हैं और कितने नहीं करते। मेरे पास एक कंडक्टर का बना, एक कंडक्टर है, राइट, एक स्फीयर है, एक कंडक्टर है, ये लो, ये रहा कंडक्टर। ठीक है यहां तक? इस कंडक्टर को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाया, मैंने इसमें डाल दिए। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरने स्टार्ट हो गए, नेगेटिव 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 नेगेटिव। फिर मेरे पास एक और स्फीयर था कंडक्टर का, सेम कंडक्टर है ये भी, लोहे का बना हुआ है सपोज, और मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर दिया और किसी और बॉडी को देने शुरू कर दिए, तो इसके पास क्या जाएगी, डेफिशिएंसी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कहानी मैंने सही सुनाई, और क्या सही का मतलब, क्या ये डायग्राम सही दिखते हैं, या कितने लोग एग्री करते हैं कि नहीं ऐसा, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर ये कंडक्टर है तो ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता, ऐसा डायग्राम कंडक्टर में नहीं बन सकता। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग कहते हैं नहीं बन सकता है? अच्छा, कितने लोग यस बोलते हैं डायग्राम सही है? अच्छा, कितने लोग ये बोलते हैं कि डायग्राम सही नहीं है? ओके, सही, वेरी गुड।
कितने लोग बोलते हैं कि इनको कैसे पता लग रहा है कि ये सही गलत है, ऑब्वियसली यार. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं. और कितने लोग बोल रहे हैं कि ये कोई क्वेश्चन है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, बातें खत्म हो गई यार, ये तो समझ में नहीं आई कुछ बात. ये डायग्राम गलत है. कंडक्टर के अंदर ये डायग्राम कभी नहीं दिखेगा आपको. उसका रीजन ध्यान से समझना प्लीज. कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज स्टे नहीं कर सकता. चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रह सकते हैं. जितना मर्जी देते जाओ, सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर एक भी चार्ज नहीं जाएगा. किसने पूछा ऐसा? क्यों? क्योंकि कंडक्टर का नाम ही कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंडक्ट कर सकता है, वो मूव करवा सकता है. हुआ क्या, इसमें फालतू इलेक्ट्रॉन थे. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल, वो दूर जाना चाहते हैं. अब दूरी के चक्कर में सब आपस में रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन के चक्कर में सारे के सारे सरफेस पे आ जाएंगे और दूर अब उड़ तो जाएंगे नहीं सरफेस से. मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूरी कहां हो सकती है? सरफेस के ऊपर. और वो भी ये इसको भी टक्कर मारेंगे, मींस रिपेल करेंगे. इसीलिए ये बोला जाता है कि कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाता है तो वो हमेशा इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि रिपल्शन से अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाती है और चार्ज पूरी सरफेस के ऊपर स्टे करता है, अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर का चार्ज सारा रिपेल होके बाहर आ जाएगा. ठीक हो गया? किसी ने कहा चलो ये तो मैंने मान लिया, इलेक्ट्रॉन भाग गए, पॉजिटिव कैसे भाग गया? ये तो डेफिशिएंसी है, ये तो कम से कम सही बनता है. ये भी नहीं सही बनता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को भी रिपेल करता है, सबको मालूम है, पर पॉजिटिव के साथ एक्सप्लेनेशन बनानी बड़ी मुश्किल है कि पॉजिटिव पॉजिटिव भाग गया. तो इसको ऐसे बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर से निकल के अपनी इनकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं. डेफिशिएंसी पूरी करेंगे, पर उस चक्कर में बाहर क्या प्रोड्यूस कर गए? उतना ही पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके क्योंकि जब मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन निकाल ले, पर कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अंदर की डेफिशिएंसी पूरा करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बाहर क्रिएट कर दे. मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहां से चला, इसकी डेफिशिएंसी पूरा कर गया, पर यहां तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया. तो ओवरऑल सारा पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है? सरफेस के ऊपर. तो एक रूल याद रखना, कंडक्टर के अंदर इनसाइड कभी भी चार्ज स्टे नहीं करेगा. बात ही खत्म हो गई. फिर किसी ने कहा सर चलो मान लिया, आपने कह दिया रिपेल रिपूल हो जाते हैं, बाहर आ गया, ठीक है मान लिया, फिर इंसुलेटर में चार्ज कैसे आने शुरू हो गए? इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, उसमें थोड़ा चार्ज आता है. इंसुलेटर में चार्ज नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता. तो फिर दूसरा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंसुलेटर्स है, ग्लास रॉड है, उसने कहा ग्लास रॉड में आता है, वो तो इंसुलेटर है. एक्चुअल में सारे इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती. कुछ स्पेशल इंसुलेटर्स हैं जिसके अंदर चार्ज स्टे कर सकता है, अंदर भी और बाहर भी. चार्ज मूव नहीं कर सकता क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज कंडक्ट नहीं होता. तो अगर किसी भी एक स्पेशल इंसुलेटर है मान लो, और ये स्पेशल इंसुलेटर जो चार्ज को स्टे तो करवा सकते हैं, अपने अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन कंडक्ट नहीं करवा सकते, तभी इनका नाम इंसुलेटर है. स्पेशल इंसुलेटर जो ये बिहेवियर शो करते हैं, इनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स. करेंगे इनका बिहेवियर स्टडी हम. तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होता है जिसके अंदर चार्ज स्टे भी कर सकता है, पर सारे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी नहीं होती. कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल है, राइट? तो कुछ इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे, वो अंदर रह जाएगा, सरफेस के ऊपर भी आ जाएगा, पर भाग नहीं पाएगा, बिकॉज ये है तो इंसुलेटर. तो इसीलिए इंसुलेटर के अंदर और बाहर चार्ज स्टे कर सकता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज स्टे नहीं करेगा, हमेशा सरफेस के बाहर ही दिखेगा आपको. क्या ये रूल क्लियर है? तो आज की बात कंडक्टर और इंसुलेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आज की बात अगर कोई कंडक्टर बोलेगा तो चार्ज सरफेस के ऊपर होगा, बात ही खत्म हो गई. और आज के बाद अगर कोई इंसुलेटर बोलेगा तो चार्ज अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? और बाहर तो करेगा ही करेगा. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर बट टच नहीं किया two metallic spheres that are in contact. The metallic spheres are then separated. The sphere which was initially farthest from the insulator will be what? ये तो वही question है जो अभी हमने discuss किया, कि अगर ये एक positively charged rod है और ये contact में spheres हैं, तो हमने भी क्या discuss किया था? जब sphere को separate करेंगे तो diagram ऐसा बन जाएगा. तो farther वाला जो sphere है उसके ऊपर कौन सा charge दिख रहा है आपको?
पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आया यहां तक? मतलब एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो अलग अलग तरीके हो गए। नेक्स्ट क्या है, हिट एंड ट्रायल है थर्ड क्वेश्चन। अगर कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा है इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं लगना, हिट एंड ट्रायल है। पहली बार एक बार गलत होता है, फिर बंदा रीथिंक करता है, फिर शायद उसको समझ में आता है। मैं दिखाता हूं कैसे। तो जब काफी लोग इसको ऐसे करेंगे कि सपोज करो आपके पास 5 बॉल्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट, 5 बॉल्स हैं। उसने ये कहा पेयर 1 एंड 2 क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन है। चलो मैंने आर्बिटरी हिट एंड ट्रायल किया, मैंने मन में सोच लिया ये पॉजिटिव है, 1 एंड 2 अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। 2 एंड 4 अट्रैक्टिव है, 2 एंड 4 अट्रैक्टिव है, तो ये माइनस, तो ये प्लस। 4 एंड 1 अट्रैक्टिव है, 4 एंड 1, अरे ये कैसे अट्रैक्टिव हो गए, गलत है, मेरी अजम्पशन गलत है, ये गड़बड़ हो गई। फिर एक मिनट कई लोग और खराब करेंगे, ओ गलती हो गई, वो कहते हैं ऐसा करते हैं इसको नेगेटिव ले लेते हैं। फिर कहेंगे 1 एंड 3 अट्रैक्टिव है, ये पॉजिटिव है, और फिर सॉरी 1 एंड 2 अट्रैक्टिव है, 2 एंड 4 भी अट्रैक्टिव है, फिर गड़बड़ हो गई, माइनस माइनस। फिर वो कुछ ऑप्शन भी देखेंगे, देख भी लूंगी क्वेश्चन में ठीक है कि गलत है, या कई लोग देखेंगे बाकी पेयर क्या कर रहे हैं। देखो अट्रैक्शन का मतलब मैंने बताया 2 मतलब है, या तो बॉडी सामने वाली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या फिर वो ऑपोजिटली चार्ज्ड है। समझ में आया यहां तक? और यही इसने कॉन्सेप्ट यूज किया, इसका आंसर है न्यूट्रल। कैसे, एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन ऐसे बैठेगी हिट एंड ट्रायल से, अगर ये न्यूट्रल है और 1 एंड 2 अट्रैक्टिव है, मान लो ये पॉजिटिव कर लिया, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट, सही है यहां तक। फिर 2 एंड 4 आपस में क्या है, अट्रैक्टिव है, तो चलो मान लेते हैं ये नेगेटिव है। फिर उसके बाद 4 एंड 1 आपस में हो सकता है अट्रैक्टिव, क्योंकि माइनस चार्ज और न्यूट्रल बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर सकते, आंसर आ गया न्यूट्रल, बस डन हो गया, अगले पेयर को देखने की क्या जरूरत है। तो हिट एंड ट्रायल है, जब मैंने भी पहली बार किया तो ऑब्वियसली मेरे को क्या पता न्यूट्रल आंसर है, मैंने भी प्लस माइनस से शुरू किया, मैं फंसा, फिर न्यूट्रल देखा, फिर समझ में आ गया ये न्यूट्रल के साथ भी हो सकता है। बोलो डी वाला, ओके डी ऑप्शन हिट एंड ट्रायल में देखते हैं। मेड अप ऑफ मेटल, मतलब अच्छा कि ये मेटल की बनी हो सकती है, ये तो ट्रू है ही है, जिसने बनाया क्वेश्चन अच्छा नहीं बनाया, और आपने बहुत सही पकड़ लिया, वो कह रहा है मेटल का बना हुआ है, तो ठीक है चार्ज है तो मेटल है, बट पॉइंट है क्या पता यार इंसुलेटर हो, जरूरी है मेटल ही होगा, नहीं नहीं जरूरी नहीं है मेटल होगा, इंसुलेटर भी तो हो सकता है, कह नहीं सकता इसके बारे में, पर इसके बारे में फिर भी कह सकता हूँ न्यूट्रल है, बेस्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक, कुछ भी बना दिया उसने ऑप्शन, उसने चेक तो न्यूट्रल ही करना था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई बट 1 इज सॉलिड अदर इज हॉलो। आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं, कैसे दे चुका हूं, क्योंकि मेटल के स्फीयर है चाहे खाली हो चाहे खाली ना हो, जो चार्ज दिया वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही मिलेगा आपको, इसीलिए दोनों में सी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन है, दे कैन बी चार्ज्ड इक्वली। उसने कहा 2 मेटालिक स्फीयर, हाँ इंसुलेटर होता फिर तो फर्क पड़ ही जाता है, इंसुलेटर के अंदर भी चार्ज रहेगा और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अंदर और फर्क पड़ जाएगा, मेटल में नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ इंसुलेटर की कहानी अलग है टोटल, उसे मेटल बोला जान के तो सरफेस के ऊपर का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है बस। ठीक, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, तो कह रहे दिस मींस बॉडी इज पॉजिटिवली, क्योंकि अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसका मतलब सामने वाली बॉडी डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉइंट समझ में आया, तो ये असाइनमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है, आप घर से इसे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके डाउट्स होंगे, ये एक असाइनमेंट है, राइट। नेक्स्ट मैथमेटिकल पोर्शन, वापस इस शीट पे आओ प्लीज, वापस शीट पे आओ, देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर।
ध्यान आगे, प्लीज फोकस आगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट मिस हुआ तो गारंटेड एक महीना खराब ही समझो, क्योंकि कूलम लॉ ने तो यूज होना ही होना है हर जगह। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स या इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझना है। कूलम लॉ बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह चलता है। कूलम एक साइंटिस्ट जिसने ये बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, चाहे वो सिमिलरली चार्ज हैं चाहे वो ऑपोजिटली चार्ज हैं, आपस में सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा और अगर ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं कुछ भी हो चाहे, कूलम का फॉर्मूला उन दो चार्जेस के बीच में वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल देगा कि दो चार्जेस आपस में कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं या कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ये कूलम लॉ निकाल के देगा। कूलम लॉ की एक प्रॉब्लम है, कई बार एनसीईआरटी में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कूलम लॉ, तो आपने एक नंबर में लिखना है कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। लिख लेना नोट, यहां लिख लो कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। करण गौर आया बाहर, अच्छा ओके अक्षत क्लियर है ओके। तो कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फोर्स की वैल्यू निकालें चार्ज्ड पार्टिकल्स में या चार्ज्ड बॉडीज में, कैसे? किसी ने कहा सर ठीक है मैं एक चार्ज डिस्क ले आता हूं, कोई कहता है मैं चार्ज रिंग ले आता हूं, क्या कूलम लॉ से आप फोर्स निकाल देंगे? मैं ही निकाल सकता, कूलम लॉ ही निकालेगा। तो कूलम लॉ ये नहीं है कि दो बॉडीज, बड़ी बड़ी बॉडीज या कोई भी आर्बिट्री बॉडीज के बीच में फोर्स निकालेगा, नहीं निकालेगा, पॉइंट के बीच में निकालेगा। कि आप ये जरूर बोल दो कि आपके पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, एक और पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज है Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। तो कूलम लॉ ये बोलता है इरिस्पेक्टिव कि कौन सा चार्ज है उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, दैट इज Q1 into Q2। पॉइंट नंबर वन, ग्रेविटेशन की तरह m1 m2, इसमें q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो दो चीजों पे ये डिपेंड करेगी, ठीक, ये लॉ है, ऐसी करना है। इन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये भी क्लियर है यहां तक। और साथ में प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा? कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ग्रेविटेशन में और कूलम में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ये कि ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट लगता था वो बड़ा जी लगता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या पूरा नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप चांद पे जाओ, आप जुपिटर पे जाओ, आप अर्थ पे जाओ, कैपिटल जी नहीं चेंज होएगा। इसमें प्रॉब्लम है, आप अलग अलग मीडियम में जा रहे हो, आप चार्जेस को एयर में रख रहे हो, आप चार्जेस को ग्लास में रख रहे हो, आप ऑयल में रख रहे हो, आप वाटर में रख रहे हो, चाहे चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे लेकिन फोर्स की वैल्यू मीडियम के साथ क्या हो जाएगी? चेंज। इसीलिए बोला जाता है ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? किसी मीडियम पे डिपेंड करेगी कि किस मीडियम में आपने चार्ज को रखा हुआ है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कैसे? मीडियम कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वॉटर, एयर, ऑयल, ग्लास एटसेट्रा, जैसे मैं लिखा हुआ है वैक्यूम। वैसे नॉर्मली वैक्यूम और एयर दो अलग अलग चीजें होती है मीडियम में, पर इस चैप्टर में वैक्यूम और एयर हम एक ही बात मान के चलते हैं। तो मीडियम या तो वैक्यूम है या एयर है या वाटर है या ऑयल है या कोई भी एन नंबर ऑफ कुछ भी मीडियम है, एक एक करके करते हैं। अगर मान लो मीडियम वैक्यूम है और सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? एसआई है। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब होता है मीडियम क्या चल रहा है? वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला है कांस्टेंट का 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, म्यू, एप्सिलॉन, सिंबल का नाम है। क्लियर यहां तक?
तो एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, कांस्टेंट कूलम ने खुद निकाला, हमने इसको याद ही किया हुआ है। मान लो एक मिनट के लिए मीडियम में चेंज कर देता हूं और मीडियम क्या कर देता हूं, वाटर, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मीडियम ऑयल है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑयल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मीडियम कोई भी मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसका मतलब हर डिफरेंट मीडियम में फोर्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट में इसके अंदर मुझे Q1 Q2 और R गिवन होगा, क्या चीज चेंज हो रही है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन ऑयल, एप्सिलॉन मीडियम। तो इन सभी की वैल्यूज या तो मुझे न्यूमेरिकल में दी जाएं या मैं इन्हें क्या कर लूं, याद कर लूं ताकि मैं फोर्स की वैल्यू को निकाल सकूं। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इसकी वैल्यू होती क्या है, सारे मीडियम तो मैं याद भी नहीं कर सकता क्योंकि एन नंबर ऑफ मीडियम्स हैं, मैं किस किस का कॉन्स्टेंट याद करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में सिर्फ एक ही वैल्यू याद करूंगा फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट याद रखना है 8.85 × 10⁻²⁻¹². तो आज के बाद अगर कोई न्यूमेरिकल आए और आपको Q1, Q2 और R गिवन हो तो आप क्या करोगे, 1/4 पाई 8.8 × 10⁻²⁻ कितना −12 इंटू चार्ज और आर मुझे मालूम होगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर आएगा। ये स्टेप क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पीछे क्लियर है यहां तक। तो फोर्स की वैल्यू आएगी यहां तक, एकदम क्लियर है ठीक। सो नेक्स्ट, अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट की जगह मुझे क्या देना चाहिए उसे, एप्सिलॉन वाटर, ये मैं याद नहीं कर सकता, पता नहीं कितने मीडियम है, तो या तो मुझे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू चाहिए तो मैं फोर्स निकाल लूंगा, नहीं तो मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन किस पे चलते हैं, वैक्यूम पे, इसकी वैल्यू मुझे याद है। क्या स्टेप क्लियर है। अब हर न्यूमेरिकल के अंदर, हर न्यूमेरिकल में Q1 Q2 R गिवन होगा, मैं बार बार कैलकुलेशन कैसे करूं, 1/4 पाई 8.8 × 10⁻¹², बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं कैलकुलेशन को याद करके रखूंगा कि आज की बात किसी न्यूमेरिकल में 1/4 पाई 8.8 × 10⁻¹² की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो क्या आएगी, 9 × 10⁻¹ स्टैंडर्ड है। तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधे पुट कर देंगे 9 × 10⁻¹, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्लियर यहां तक। तो फॉर एग्जांपल ये याद करना पड़ेगा, जैसे अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, उनमें से एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा 1 कूलम है और सेपरेटेड बाय 1 मीटर और क्वेश्चन है आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो और मीडियम क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम का फॉर्मूला लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या याद की आपने, 9 × 10⁻¹ Q1 Q2 इज 1 और 1, R की वैल्यू इज 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁻¹ न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा कि वैक्यूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से इसका नाम भी देख लें है कि एक्चुअल में ये एप्सिलॉन होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे प्लस वन के अंदर इस सिंबल का नाम क्या था, म्यू, लेकिन म्यू तो सिंबल का नाम था अल्फा बीटा गामा की तरह, होता ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिग्निफिकेंस ये था किसी भी सरफेस का अगर म्यू बड़ा हो तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट तो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट, होता क्या है ये, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी और मीडियम क्या है इसमें वैक्यूम, कोई डाउट इसमें? सिमिलरली अगर एप्सिलॉन वाटर है तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, उसी तरीके से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये इसका नाम है। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हाई हुआ, एप्सिलॉन एम की वैल्यू बड़ी हुई, तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी चार्जेस में? छोटी। जिस मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा उसमें फोर्स छोटी। ये सिग्निफिकेंस है। हायर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, लेसर इज द वैल्यू फॉर फोर्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? सो अभी किसकी बात हो रही है? मीडियम क्या चल रहा है? वैक्यूम। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चल रहा है? SI। ठीक, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, वैक्यूम के अंदर, मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट अगर क्या हो SI की बजाय CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज्ड। CGS सिस्टम में इस फोर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे? 1। SI में क्या पुट करते थे? 1/4 pi epsilon naught। CGS में क्या पुट करेंगे? 1। कोई डाउट इसमें? तो हमने इसको 1 पुट कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 × Q1 Q2 / r² पर याद रहे क्योंकि सिस्टम CGS है, चार्ज की वैल्यू कूलम में नहीं चलेगी। कूलम तो SI यूनिट होता है, CGS यूनिट चार्ज का क्या होता है? स्टैट कूलम। तो ये न्यूमेरिकल में कूलम की बजाय किसमें गिवन होगा? स्टैट कूलम। और आर की वैल्यू मीटर में नहीं, मीटर की बजाय किसमें गिवन होगी? सेंटीमीटर में, राइट? तो मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन तो सबको आती है। कूलम और स्टैट कूलम का रिलेशन सुन लो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10^9 स्टैट कूलम, ये याद करना है। वैसे नॉर्मली स्टैट कूलम में न्यूमेरिकल आते नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल आ जाए बात अलग है, ज्यादातर कूलम में ही आते हैं, पर अगर आ जाए तो एटलीस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो अभी तक हमने क्या किया, अगर हम कूलम लॉ को वापस से देखें तो हमने ये किया कि ये फोर्स की वैल्यू कूलम ने हमें दी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, वैक्यूम के अंदर SI सिस्टम के अंदर 1/4 pi epsilon naught ये वैल्यू है जिसकी वैल्यू 9 × 10^9 है। इन मीडियम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम इनकी क्या वैल्यू है, नॉलेज के लिए जरूर बता दिया पर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं मालूम। न्यूमेरिकल में गिवन होगी मैं देख के पुट कर दूंगा, ऐसे में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वैक्यूम कर सकता हूं। क्या स्टेप क्लियर है? और अगर यही चीज किसमें आए? CGS में, तो CGS में कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। कोई डाउट इसमें? अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम के अंदर इस फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में SI सिस्टम में 1/4 pi epsilon naught Q1 × Q2 / r², अगर ये चार्ज किसी और मीडियम में पड़ा हो तो 1/4 pi epsilon m Q1 × Q2 / r², कोई डाउट इसमें? तो फोर्स वैक्यूम में, फोर्स मीडियम में, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड का मतलब वैक्यूम और मीडियम की फोर्स को डिवाइड किया, इस फॉर्मूले को इससे डिवाइड किया, ये सारी टर्म कैंसल हो गई, 4 pi 4 pi कैंसल हो गया, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो ये रेशियो आ गई। तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम की वैल्यू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो गई। ये रेशियो समझ में आ रही है? इसकी रेशियो को एक नया नाम दिया, एप्सिलॉन r। r का मतलब है एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन m का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें दो मीडियम की परमिटिविटी की रेशियो यूज कर रहे हैं। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? एप्सिलॉन r। लेकिन ये नाम बहुत बड़ा है,
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, बोलते बोलते भी लंबा है, इसका एक शॉर्ट नाम निकाला और इसका पूरा शॉर्ट नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये एप्सिलॉन आर सिंबल भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जगह एक और सिंबल यूज करेंगे हम क्या, के। तो एप्सिलॉन आर की जगह हम न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करेंगे, के। एप्सिलॉन आर और के का मतलब एग्जैक्टली सेम है, सिंबल ही चेंज किया, थोड़ा इजी किया है। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और दूसरा नाम क्या होगा इसका, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वन एंड दी सेम थिंग। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसकी जगह मैं के यूज कर दूं आसान सिंबल, और के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। क्लियर है? के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना हो हम ऐसे कर सकते हैं, के इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया? तो K is equal to F naught by Fm, और ये हम कैपेसिटर के अंदर ही प्रूव करेंगे, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एक नाम इंट्रोड्यूस हुआ है आज, इसकी बेसिक वर्किंग बहुत डिटेल में कैपेसिटर चैप्टर के अंदर आएगी। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इसको याद ही करना पड़ेगा कि K is equal to F naught by Fm, that's it, की रेशियो होती है। और मेटल के लिए K की वैल्यू, मेटल या कंडक्टर के लिए याद रखनी पड़ेगी, K की वैल्यू इज इनफाइनाइट, स्टैंडर्ड है, इनफाइनाइट होती है। ये क्यों होती है ये मैं कैपेसिटर के चैप्टर के अंदर ही प्रूव कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, आप इसको याद ही करें प्लीज। क्लियर यहां तक? तो K का फॉर्मूला क्या किया हमने, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल, और मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कई लोग सोच रहे हैं क्या कंफ्यूजन क्रिएट करे जा रहे हैं, पहले फोर्स ये याद कर लो, फिर कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो, चलो वहां तक तो ठीक था, फिर डिवाइड कर लो, फिर एप्सिलॉन आर निकाल लो, उसका नाम भी के लिख लो, फिर के की जगह ये करो, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हैं, सिंपल ये बताओ। ये बोलना चाहते हैं मान लो अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, वन एंड थ्री, एंड आर सेपरेटेड बाय टू मीटर गिवन है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम जब किस में पड़े हो चार्जेस, वैक्यूम में। तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगाएं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। आप इसमें इसकी जगह पुट करें 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 3 बाय r का मतलब 2 का स्क्वायर, आपके पास इतने न्यूटन आंसर आएगा किस में, जब मीडियम क्या है, वैक्यूम। इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूशन में अगला पार्ट है क्या, कि मुझे इन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल के दिखाएं, लेकिन इस बार चार्ज वैक्यूम में नहीं पड़ा हुआ, इस बार चार्ज किस में पड़ा हुआ है, वाटर में, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10। तो मुझे ये डेफिनेशन पता है कि अगर वैक्यूम में फोर्स निकालनी है तो ऊपर वाले पार्ट से हमें निकालनी आती है, हमने निकाल ली, ऊपर वाले पार्ट से आ गया, हमें पता है के क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ वाटर, मीडियम की जगह क्या आएगा, वाटर, F not by F water, K कितना है इस question में, 10, force vacuum में हमें पता है 27 by 4 into 10 की power 9, put कर दिया, और water में force मुझे निकालनी है, तो divided by F water, तो force in vacuum का तो हमें तरीका पता है कैसे निकलेगा, dielectric constant water का पता है 10 है, तो इसको किससे divide किया, F water से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F water की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी मीडियम में फोर्स निकाल सकते हैं, हमें उस मीडियम का क्या पता होना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? तो बहुत अच्छा तरीका है। तो आज के बाद एप्सिलॉन वाटर नहीं गिवन होगा, आज के बाद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा और वहां से आंसर आएगा। क्लियर यहां तक? जिन जो लोग कंपटीशन में बैठेंगे और मान लो बैठने के बाद एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, आ जाता है मेंस में भी और नीट में भी, 90% चांस है जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें एप्सिलॉन नॉट की एप्लीकेशन जरूर आती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट इज फोर्स का फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, फोर्स एक तरफ, 1 बाय 4 पाई कांस्टेंट है, चार्ज क्या होता है, एम्पियर टाइम, चार्ज क्या होता है, एम्पियर टाइम, r क्या होता है, लेंथ, फोर्स क्या होता है, MLT -2। सॉल्व करेंगे अपने आप आंसर आएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर मिल सकती है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने सिर्फ किसके ऊपर काम किया, मैग्नीट्यूड के ऊपर। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर काम किया और हम बात करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के साथ किसकी, डायरेक्शन के। तो वेक्टर में बात करनी पड़ेगी। वेक्टर में करने के लिए सपोज देयर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू, डिस्टेंस ऑफ आर। मान लो दोनों पॉजिटिव हैं। इस क्यू टू ने क्यू वन को रिपेल किया, कितनी फोर्स से रिपेल किया, एफ वन टू। वन टू का मतलब वन चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई। सिमिलरली इस क्यू वन ने क्यू टू को रिपेल किया, एफ टू वन। कैसे रीड करना है, टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई। ये दो वेक्टर क्लियर हो गए। अब ए का पोजीशन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से होता है। तो ओरिजिन से एक वेक्टर है कितना, आर वन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर टू वेक्टर, ठीक, जो पोजीशन बताता है। ये भी क्लियर है? अब अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं, या मैं चलो एफ वन टू वेक्टर की बात करता हूं, एफ वन टू की डायरेक्शन इस, तो नॉर्मली वेक्टर्स के अंदर ये सिखाया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन होती है। आई कैप लगा दो, जे कैप लगा दो, के कैप लगा दो, इससे ये पता लग जाता है कि कोई वेक्टर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, या सेट किसके अलोंग है। पर इसमें मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, तो मैंने अपना ही यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, कितना, आर वन टू। वन टू का मतलब कि एफ वन टू किस तरफ है, इस तरफ। वन टू का मतलब कि जहां फोर्स लग रही है वन टू, तो एफ वन टू वेक्टर। और आर वन टू का मतलब वन से लेके, मींस इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर इज आर वन टू कैप। वन टू कैप की वैल्यू क्या रहेगी, वन। ये सिर्फ ये बता रहा है कि एफ वन टू वेक्टर की डायरेक्शन यहां होगी, दैट्स इट। सिमिलरली एफ टू वन वेक्टर ये रहा, तो इमेजिन कर लो एक जो 2-1 को रिप्रेजेंट करेगा इस 2-1 कैप, 2-1 के साथ 2-1, 1-2 के साथ 1-2, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे F12 और F21 का मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 πε0 q1 q2 r2, क्योंकि कूलम लॉ ने मैग्नीट्यूड तो बताया, डायरेक्शन नहीं बताई। तो मैंने लिख दिया 1/4 πε0 q1 q2 r2, यहां तक क्लियर है। लेकिन मुझे इसमें क्या लिखना है, वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज 1/4 πε0 q1 q2 r2, वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ में क्या आएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए पीछे क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर। अब 1-2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, 1-2 वाला, और 2-1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2-1 वाला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। तो डायरेक्शन पीछे लगने से, इसकी वैल्यू पीछे लगने से यह पता लग जाता है कि इसकी डायरेक्शन कहां है। ये स्टेप क्लियर है? तो हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो ये F1 और F21 वेक्टर आ गया। अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, चलो अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, तो मैग्नीट्यूड पूरे का पूरा कैंसल, क्या बचा, बस यूनिट वेक्टर बच गए, राइट। और मुझे ये पता है कि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड तो 1 है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन इज ऑपोजिट। वैल्यू तो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ये इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21 वेक्टर। और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि कूलम की फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, कि दो चार्जेस आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल तो होती होती है, साथ में ऑपोजिट भी होती है। तो अगर एनसीईआरटी के अंदर ये प्रूव करने को आ जाए, प्रूव दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो पूरा डायग्राम के साथ आपने यहां तक लिखना है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक, ये प्रूव हो जाएगा। डेरिवेशन है ये, हाउ टू ड्राइव
कि ये प्रूफ करना दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, ये प्रूफ रजिस्टर में लिख के लाना है सारा कुछ जितना भी काम है, राइट, प्रैक्टिस करके। अब एक और प्रॉब्लम जो आती है जिसमें या तो कंपटीशन में आएगी या एनसीईआरटी दोनों में आ सकती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो, ठीक, बड़े फोकस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको एफ वन टू वेक्टर लिख के दिखाया, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r² के पीछे क्या लिखा, r 12 कैप, कोई डाउट इसमें, राइट। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डन, यहां तक क्लियर है? तो यहां पूरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड, r 12 का जो मैग्नीट्यूड है इटसेल्फ वो r ही है, क्योंकि r 12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है। मैं कैप की बात नहीं कर रहा, r 12 कैप नहीं कर रहा, r 12 वेक्टर की बात कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एनी केस आप इसको ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, सेम डायग्राम है, यहां Q2 Q1 थे, ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहा हूं जो इधर से इधर जाएगा, तो ऊपर के डायग्राम में इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई R21 कैप, वो यूनिट वेक्टर था। पूरा कंप्लीट वेक्टर के लिए R12 वेक्टर, R12 क्यों लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो ये वेक्टर क्या था, F(12) वेक्टर। ऊपर से देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम में, ये रहा, ये क्या है F(12), तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर जाएगा, R12, और पूरा वेक्टर क्या बनेगा, R12 वेक्टर। तो एक काम करो, पहले तो इस डायग्राम में जो नीचे वाला डायग्राम है इसके अंदर यहां पे लिखो F(12) वेक्टर, ड्रॉ करो F(12) वेक्टर ऐसे, इस तरफ ड्रॉ करो F(12) वेक्टर ऐसे, F(12) वेक्टर, राइट, ताकि आपको याद रहे F(12) के साथ ही R12 जा रहा है, 1212 याद रहेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट होता है, तो R1 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये स्टेप क्लियर है, ट्राइंगल लॉ। और क्या मैं लिख सकता हूं, R12 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ट्राइंगल लॉ। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट, और R12 वेक्टर का मॉड क्या होगा, R, इसकी वैल्यू क्या होगी, R, क्या स्टेप क्लियर है, यहां तक ध्यान से देखना है, स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने R लिख लिया, तो R into R क्या बन गया, R का क्यूब। तो जिन लोगों को यहां कंफ्यूजन हो रही है वो प्लीज ध्यान से देख लें कि R12 वेक्टर का मॉड इटसेल्फ क्या होगा, R, और R12 वेक्टर का क्यूब और क्यूब एक ही बात है, मैं R क्यूब लिखूं या इस वेक्टर का मॉड का क्यूब लिखूं, बात एक ही है। तो आप चेक कर सकते हो, R लिख लो या फिर R12 का क्यूब लिख लो, एक ही बात है। और यहां पर तो ठीक चल ही रहे, यहां तक स्टेप क्लियर है, एक आखिरी स्टेप और देखना, R12 वेक्टर का मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एक ही बात है, मतलब मैं ये लिख लूं या ये लिख लूं, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, कोई डाउट इसमें? तो आप चेक कर सकते हो ये ऐसे सही है, R का मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, ये स्टेप क्लियर है, ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म है कूलम लॉ का। अब बारी है याद करने की, इतनी लंबी कहानी थोड़ा लिखोगे न्यूमेरिकल में अगर आ जाएगा तो, याद ऐसे करना है, ध्यान से देखना, अगर ये 1 2 है, 1 2, तो यहां आएगा 1 माइनस 2, यहां भी 1 माइनस 2 का क्यूब, लेकिन अगर ये 2 1 है, अगर ये 2 1 है, R2 और 1 2 और 1, पॉइंट क्लियर है। पहले कोई टाइम था जब एनसीईआरटी में बोर्ड वाले पूछते थे राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उठा के बस बनाया वेक्टर आंसर, 90 नंबर। इस साल क्या आया, गिवन Q1 = 1 Q2 = 2, कूलम चार्ज का पोजीशन वेक्टर बनाना खुद, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पहले चार्ज के दूसरे चार्ज के गिवन है, राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन न्यूमेरिकल के साथ, ये डिफरेंस था पिछले साल के पेपर और इस साल के पेपर में, आउट ऑफ कोर्स पेपर नहीं था,
आप एप्लीकेशन देखो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वही कर पाएगा, जो याद करके गया वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला क्लियर है? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, इधर Q1 का पोजीशन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तो क्या बनेगा? 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। ऐसे इसके लिए i कैप, 2j कैप और 3k कैप। मुझे F12 वेक्टर निकालना है, ये टर्म लिखी मैंने, फॉर्मूला लिख लिया F12 वेक्टर का, इसकी जगह 9 × 10⁻¹, चार्ज Q1, Q2, 1 एंड 2 गिवन है। ध्यान आगे प्लीज, जहां R1 वेक्टर है, जहां R2 वेक्टर है, इस वेक्टर की जगह ये, इस वेक्टर की जगह ये माइनस कर लें, तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर की जगह वैल्यू पुट ऊपर भी और नीचे भी, इसका होल क्यूब मॉड चल रहा है, ये स्टेप क्लियर है? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर को माइनस कर लो, i में से i, j में से j, k में से k, ये आएगा ऊपर भी और नीचे भी सेम, इसको तो ऐसे ही रहने दो। वेक्टर का फॉर्मूला प्लस वन से, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ऐसा गिवन है a वेक्टर, और आप a वेक्टर का मॉड निकालना चाहते हैं, तो i के कोफिशियंट का स्क्वायर, j के कोफिशियंट का स्क्वायर और k के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये देखो इसका मॉड 3 को छोड़ो, इसका मॉड क्या देगा आपको? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब भी लगा दो, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू पावर हाफ, तो हाफ इंटू 3 क्या होगा? 3/2। दिस इज द आंसर हाउ टू राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? और सिमिलरली ये होमवर्क है आपका, कि अगर दो चार्जेस गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, आपको क्या करके लाना है घर से? F ऑफ 2, 1 वेक्टर। पॉइंट इज क्लियर? ठीक, यहां तक पूरा रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद शीट के 5 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शीट 1। अगली बार का न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कोर्स है, थोड़ा जितना हमने काम किया उसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, सारा लिखना है, पूरा जो मैंने लिखा याद रखना है। एक मिनट के लिए ध्यान से सुनो प्रगुण, जितनी भी शीट मैंने आपको दी, मेरे पास, मेरे फोल्डर चेक करो बाहर, एक भी शीट नहीं अगले लेक्चर की। ये फॉर्मेट लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, इस साल लास्ट ईयर मैंने पूरा बोर्ड के साथ चलाया, बहुत लंबा कोर्स चलता है बोर्ड के साथ, ये पहली शीट है, दूसरी शीट नहीं है। इसको बनाने में कल मेरे को कम से कम 3 घंटे लगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस पे 3 से ज्यादा घंटे लगाओ। मैं लिख रहा हूं तो आप भी तो लिखोगे, ठीक? मैं अगली शीट लिख के लाऊंगा, आप इस शीट को लिख के लाना, तो बिना ऐसे मत आना, राइट? कौन बदतमीज है ये? क्या प्रॉब्लम है? आकाश, आकाश ठाकुर ही है। एक ऑब्जेक्टिव शीट दे रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1। तो आपका अब होमवर्क ये है, आपको रजिस्टर पे जो भी काम किया वो लिख के लाना है, आपको वो 5 क्वेश्चन के बाद जो 3 क्वेश्चन है वो भी करके लाने हैं, एक ये क्वेश्चन करना है, और ये ऑब्जेक्टिव शीट नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, बेटर अगर आप करके लाओगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी ऐसा होमवर्क करके लाओगे। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 और जो शीट थी वो भी करके ला रहे हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं।